आधुनिक भारत के नवनिर्माण में जिन विभूतियों का नाम आता है उनमें आशुतोष मुखर्जी का नाम विशिष्ट स्थान रखता है। सन 1864 में जन्मे आशुतोष मुखर्जी का परिवार कालीघाट तीर्थ क्षेत्र के पास भवानीपुर में रहता था। ऐसे समय में विशेषकर विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों में श्री मुखर्जी का स्थान विशिष्ट है। वे तात्कालीन भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ता के दर्जनों छोटी बड़ी संस्थाओं के प्राण पुरुष रहे। 1908 में उन्होंने कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की। सर आशुतोष मुखर्जी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की उनके पौत्र। मेरा नाम चित्रतोष मुखर्जी है। सर आशुतोष मुखर्जी हमारे दादाजी हैं। मेरे पिता श्री रमा प्रसाद मुखर्जी सर आशुतोष मुखर्जी के बड़े सुपुत्र थे। मेरे पिता श्री रमा प्रसाद मुखर्जी का कुछ दिन तक राजनीति के साथ बड़ा गहरा संपर्क रहा, फिर उसके बाद वे बतौर लॉयर कर्मरत रहे। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि क्यों सर आशुतोष मुखर्जी चिरस्मरणीय रहेंगे, खासकर जब बात एजुकेशनल क्राइसिस से उबरने की आएगी। हमें उनके पदचिन्हों का अनुकरण करना चाहिए। सर आशुतोष मुखर्जी का जीवन काल एक रॉयल बंगाल टाइगर के समान याद किया जाता है। उसका मुख्य कारण उनका निर्भीक तथा दृढ़ संकल्प जीवन शैली था, जैसा कि रॉयल बंगाल टाइगर का होता है। मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा, उस समय के फ्रांस के प्रधानमंत्री श्री फ्लेमेंस को भी बड़ी और लंबी मूछें रखते थे, जैसा कि सर आशुतोष मुखर्जी की भी हुआ करती थी। ये उस समय के संवाद माध्यमों ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर की उपाधि से नवाजा था। हालांकि मेरे जन्म के समय उनकी मृत्यु के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, इसी कारण मैंने उन्हें साक्षात कभी नहीं देखा। यह मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। इसके साथ ही जो संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई थी आज भी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और दिन प्रतिदिन विकास और सफलता की ऊंचाइयों को छूती जा रही है। In our household. Secondly, the institutions with which we were associated were still functioning, and all of them not only carried his name, they also tried to take further the things which Sir Ashutosh had striven to do in his lifetime. 1887 से 1889 तक Indian Association में गणितीय भौतिकी के लेक्चरर भी रहे। 1906 में वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया, जहां वे 1914 तक चांसलर पद पर बने रहे। सर आशुतोष मुखर्जी 25 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय से जुड़े। आज यूनिवर्सिटी का एक अंश उनके नाम पर भी है। कई कैंपसों में एक है राजा बाजार साइंस कॉलेज, जहां विज्ञान मनोविज्ञान आदि की पढ़ाई होती है। सर आशुतोष मुखर्जी के कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बनने के बाद विज्ञान शिक्षण और शोध के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए। मैं राजश्री शुक्ला उपाध्याय हूं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रोफेसर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ जिसने भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में अपना स्थान बनाया है और इस स्थान तक उसे पहुंचाने का बहुत बड़ा श्रेय सर आशुतोष मुखर्जी को जाता है। उन्होंने परीक्षाओं से आगे बढ़कर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई। शिक्षा से उन्हें इतना लगाव था कि उन्होंने ह्यूमैनिटीज अर्थात मानविकी विषयों, भाषाओं, भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था करवाई। इसके साथ साथ अप्लाइड साइंसेज यानी प्रयुक्ति युक्त विज्ञान की कक्षाओं की व्यवस्था भी करवाई। इसके लिए उन्होंने अनेक संपन्न व्यक्तियों से, दरभंगा के महाराज से, मिस्टर पालित से, इस प्रकार अन्य अनेक लोगों से प्रचुर मात्रा में दान उपलब्ध किया और उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास में लगाया। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के उल्लेख बिना आशुतोष मुखर्जी का परिचय अधूरा है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान में शोध की शुरुआत कराई। इंडियन साइंस कांग्रेस की 1914 में हुई पहली सभा के अध्यक्ष भी थे।
वे सही अर्थों में विज्ञान शिक्षण और शोध के प्रमुख कर्णधार थे। बीए में पढ़ते समय ही उन्होंने गणित में शोध प्रारंभ की। अपने पहले पेपर में ही उन्होंने यूक्लिड की पहली किताब पर आधारित 25वें समानुपात को प्रमाणित किया। डबल एमए करते समय व्यस्तता के बावजूद उनके 16 पेपर और 3 मैथमेटिकल नोट्स छपे। उनके रुचि के अन्य क्षेत्र थे कोनिक्स का डिफरेंशियल समीकरण तथा हाइड्रोडायनेमिक्स। मजे की बात यह है, जब उनका पहला पेपर छपा रामानुजम तथा रमण का जन्म भी नहीं हुआ था। 1890 के बाद उन्होंने लेक्चर देना बंद कर दिया। अब वे पूरी तरह कानून की प्रैक्टिस में जुट गए। 1908 में आशुतोष जी ने कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1923 तक उसके सभापति रहे। आशुतोष मुखर्जी द्वारा गणित के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर दृष्टि डाल रहे हैं प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य। आप कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी के सहायक सचिव हैं। उन्होंने 1908 साल में 6 सितंबर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी प्रतिष्ठा किया था और उन्होंने ही फाउंडर प्रेसिडेंट है। 1923 तक उसने प्रेसिडेंट था और उनके जो काम है मैथमेटिक्स के ऊपर, 1886 में उसने अ नोट ऑन इलिप्टिक फंक्शन एक पेपर उसने तैयार किया था। उसके बाद गैस्पर माइनाद्रीज जो एक क्वेश्चन अराइज किया था उसका सॉल्व किया था ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी ऑफ ए सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल इलिप्सिस के ऊपर, और बहुत सारे काम उसने ज्योमेट्री एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर किया था, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ऊपर किया था, डिफरेंशियल इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया था। 27 मार्च 1914 को सर आशुतोष ने साइंस कॉलेज की नींव रखी। साइंस कॉलेज के बारे में ये भी तथ्य है कि अंग्रेज सरकार इस तरह का कॉलेज चाहती ही नहीं थी। इस कॉलेज की स्थापना के दिन ब्रिटिश सरकार ने बॉयकॉट किया और इसके 4 दिन बाद ही आशुतोष कलकत्ता विश्वविद्यालय से मुक्त हो गए। उनको और एक्सटेंशन नहीं दिया गया। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। सभी पठन पाठन सामग्री भारत आना बंद हो गई। इन युवा लोगों ने सर आशुतोष की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से चीजों का संग्रह कर साइंस कॉलेज में पठन पाठन जारी रखा। भवानीपुर मेट्रो स्टेशन, आज जिसका नाम नेताजी हो गया है, बाईं तरफ है उनका पुश्तैनी घर जो आज आशुतोष मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बाईं तरफ है आशुतोष कॉलेज और ठीक पीछे उनकी पत्नी योगमाया देवी के नाम पर योगमाया देवी कॉलेज। उनके 3 रूप एक साथ दिखते हैं, विचारों और वेशभूषा से सनातनपंथी, कामों में प्रगतिशीलता के पोषक और विश्वविद्यालय में विभागों का विकास और भारत ही नहीं अंग्रेजों, जर्मनों और अमरीकी लोगों की नियुक्ति करते समय वे पूरे अंतर्राष्ट्रीय नजर आते हैं। उनके बारे में तमाम किस्से मौजूद हैं। जब वे कॉलेज स्ट्रीट किताबें खरीदने जाते थे तो कुली किताबें लेकर घर पहुंचता था। 1910 में वे इंपीरियल लाइब्रेरी काउंसिल के सभापति बनाए गए। आज ये लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी के नाम से कलकत्ते की प्रमुख इमारत है। इस लाइब्रेरी में उन्होंने व्यक्तिगत संग्रह की 80,000 किताबें दान में दी। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण कुमार चक्रवर्ती, मैं अभी महासचिव नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की हूँ। आशुतोष मुखर्जी वॉज अ ग्रेट लीडर था। वो हमारे नेशनल लाइब्रेरी के लिए उनकी जो किताब जितनी है, तो उनकी निधन के बाद उनकी दो पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रमा प्रसाद जैन, उनके दो भाइयों मिलके सोचा जी ये जो नेशनल लाइब्रेरी, उनकी जितना पर्सनल कलेक्शन है वो नेशनल लाइब्रेरी में होना चाहिए। उनके साथ इतना जुड़ा हुआ था नेशनल लाइब्रेरी के साथ, तो उनको सोचा था जी ये सारे किताब हमारे इसमें हो जाए। और उन्होंने ये भी कंडीशन लगाया था जो ये किताब कभी भी नेशनल लाइब्रेरी के बाहर नहीं जाए और कलकत्ता से बाहर नहीं जाए, तो इसके हिसाब से इनकी देखभाल ठीक से हो, इसीलिए उन्होंने किताब हमारे नेशनल लाइब्रेरी को दे दिया था। तो उस टाइम मौलाना कलाम आजाद था वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने उनको खत में लिख के दे दिया ये हमें अभी तक उनको नेशनल लाइब्रेरी को कोई बाहर ले जाने के लिए कोई प्लान भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगा, ये किताब सुरक्षित रहेगा। 1964 में भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट जारी की। उनको मिले अन्य सम्मानों में CSI, नाइट, सरस्वती, शास्त्र वाचस्पति आदि थे। वे सही अर्थों में भारतीय आत्मा थे। उनके कानूनी क्षेत्र के योगदान के साथ ही साथ शिक्षा प्रसार, बंगाल का नवजागरण या भारतीय भाषाओं का समर्थन, ज्ञान विज्ञान शिक्षण और संस्थागत विकास की बात हो, वे कभी पीछे नहीं रहे और इन क्षेत्रों में इतिहास बनाया।